बीती देर रात चिरकुंडा थाना इलाके के डुमरी जोड़ स्थित अवैध मुहानों में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी दिलीप यादव के नेतृत्व में छापेमारी कर लगभग 10 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। वहीं जब्त कोयले को पुलिस अपने साथ थाने ले गई, साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी में जुट चुकी है। पूरे निरसा विधानसभा क्षेत्र में डंके की चोट पर कोयले का ये काला खेल पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। निरसा विधानसभा के निरसा थाना क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा अवैध भट्टे, कालूबाथान ओपी क्षेत्र में आधा दर्जन भट्टा, गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र में 3 भट्टा, मैथन ओपी क्षेत्र में 4 भट्टा और चिरकुंडा थाना क्षेत्र में अवैध खदान संचालित है। गुप्त सूचना मिली थी कि डुमरी जोर में अज्ञात चोरों के द्वारा कुछ कोयला चोरी किया जा रहा है और बाहर भेजा जा रहा है। इस संबंध में जब वहां पर छापामारी की गई तो वहाँ किसी व्यक्ति को पाया नहीं गया, लेकिन वहाँ जो कोयला का अवैध रूप से खनन किया गया है उसमें 152 बोरी कोयला भरा हुआ ऊपर में मिला, उसको अभी जब्त कर थाना पर लाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई करनी जा रही है पुलिस? क्या मुहानों को बंद करने का काम किया जाएगा? खदानों को बंद करने के पहले से भी जगह ECL को लिखा गया है और आज फिर हम उससे मिलके JCB के द्वारा उसको भरवाया जाएगा और पूर्णतः ये काम बंद रहेगा। वही पुलिसिया रेड को महज आई वॉश माना जा रहा है। पुलिस रेड कर लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है, जबकि असल में जिस थाने और ओपी क्षेत्र में कोयले का ये खेल संचालित है उसके एवज में कोयला चोर एक मोटी रकम भेंट स्वरूप स्थानीय पुलिस को देने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस को इसके एवज में पैसे मिल रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी से लेकर एक अदने सिपाही को भी पैसे भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। ऐसे में इस रेट पर भी स्थानीय लोग दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि पुलिस महज दिखावा कर रही है, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस की मिलीभगत से ही ये सारा कारोबार फल फूल रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।